देश से अजवाइन का निर्यात 2013 से अब तक 158% बढ़ गया है। शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार के प्रयासों से अजवाइन निर्यात में हुई वृद्धि से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में 158% की यह वृद्धि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही भारतीय मसालों के स्वाद से विश्व को परिचित करा रही है। भारत में अजवाइन की खेती मसालों के लिए की जाती है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। अजवाइन एक्सपोर्ट के संबंध में एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यात अप्रैल दिसंबर 2013 के $1.5 मिलियन की तुलना में अप्रैल दिसंबर 2021 में लगभग 158% बढ़कर $3.7 मिलियन तक पहुंच गया। अजवाइन के भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य स्थान अमेरिका में 23.3%, सऊदी अरब को 20.1%, कनाडा को 11.2%, नेपाल को 11 और ब्रिटेन को 9.1% है। भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जनवरी 2022 में भारत के वस्तु निर्यात में जनवरी 2021 के $27.54 बिलियन के मुकाबले 23.69% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर $34.06 बिलियन तक जा पहुंचा। जनवरी 2020 के $25.85 बिलियन के मुकाबले इसमें 31.75% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का वस्तु निर्यात 2021-22 अप्रैल जनवरी में 2020-21 अप्रैल जनवरी के $228.9 बिलियन की तुलना में 46.53% बढ़कर $335.44 बिलियन तक जा पहुंचा। 2019-20 अप्रैल जनवरी के $264.13 बिलियन की तुलना में इसमें 27% से अधिक की वृद्धि हुई। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सक्रिय कदम उठाती रही है। बाधाओं, समस्याओं तथा विशेष रूप से महामारी के दौरान निर्यातक समुदाय के समक्ष आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए एक निर्यात निगरानी डेस्क का गठन किया गया है। पुराने तथा अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा की जा रही है। बड़े उत्साह के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार एक जिला एक उत्पाद जैसी पहलों के जरिए भारत के प्रत्येक जिले को एक निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यातकों का विभिन्न निर्यातक केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विवेकीकरण तथा गैर अपराधीकरण के जरिए अनुपालनों में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए कई अभिनव पहले ही की जा रही है। निर्यातकों को लाइसेंसिंग प्रदान करने तथा कार्य से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के लिए भारतीय निर्यात की ब्रांडिंग के मूल्य को बढ़ाने पर भी काम कर रही है और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।